टू अड्डा स्कूल आप सभी लोगों का स्कूल में बहुत 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 सारा स्वागत है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आर जस्ट नाउ ऑन योर हेड और आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को ईजी लगता है वो लास्ट मोमेंट उसको उठाते हैं और लास्ट मोमेंट सोचते हैं कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े क्या हो कि मेरे को एक बार एक प्लानर मिल जाए और उसी तरीके से हम पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन जो है वो रिवाइज कर लें सो टुडे इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू पीपल

साथ ही साथ में 45 फाइव डेट स्ट्रैटेजी को आपका पेपर है सो यू पीपल है टाइम कम भी बच रहा होगा तो हम आपकी ज्यादा क्लासेस करके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ना सबसे पहले आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लें कि किस तरीके से आपको अपनी एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है सो so, आपके पेपर 100 नंबर का आएगा 100 में से आपके 80 और 20 का डिवीजन किया जाएगा 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और आपका 80 नंबर का जो होगा वो पेपर होगा पेपर में आपके 80 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको तीन घंटे दिए जाएंगे टू कंप्लीट योर पेपर सी ने इस बार कुछ पैटर्न इस तरह से रखा है कि ट्वेंटी परसेंट एमसीक्यूज रखे हैं थर्टी परसेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, पचास परसेंट आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्परेटिव वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट कर पाओ और जब आप ट्वेल्थ पास आउट भी कर लो तो भी आपकी जो अप्रोच हो वो कॉम्परेटिव ही रहे यानी कि आप कॉम्पिटिशन में भी जा करके अच्छा परफॉर्म कर पाओ सो so, इस तरीके से आपका पैटर्न कुछ रखा गया है ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट और बेस्ट परफॉर्म कर पाओ राइट right? नाउ अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए सैम्पल पेपर्स चाहिए कोई करिकुलम चाहिए तो आप cbse.gov.in पर जाकर के बहुत अच्छे से अपना करिकुलम सैम्पल पेपर्स कुछ भी ले सकते हो या कोई अपडेट भी आती है तो भी वो आपको यहीं पर ही मिल जाती है सो so, चाहे cbse.gov.in पर जाइए चाहे cbse.nic.in पर जाइए नाउ आगे अगर मैं बात करूं आपकी यहां पर आ, पेपर की तो आपका जो पेपर है जो 80 मार्क्स का पेपर आपका पेपर है दस पेपर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन सेक्शन है विच इज रीडिंग सेक्शन जो कि आपका बीस नंबर का पूछा जाएगा जिसमें आपके दो पैसेजेस आएंगे फैक्चुअल और लिटरेरी सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा जिसमें आपसे चार राइटिंग टास्क करने के लिए बोला जाएगा दो फिक्स्ड होंगे आपको करने ही करने होंगे और दो में आपको वेरिएशन मिलेगा आपको चॉइस मिलेगी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो ट्वेंटी मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन भी होगा सेक्शन सी आपका लिटरेचर सेक्शन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है फोर्टी मार्क्स और ये पूरा का पूरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अगर आप कहीं से गेन कर सकते हो तो वो आपका लिटरेचर पार्ट है इसमें आपकी दो बुक्स हैं फ्लेमिंगो और विस्टास कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे

आर एस करके ऑप्शन ई करके ऑप्शन दे दिया गया होगा आपको आंसर टिक करना पड़ेगा सही वाला और कुछ में लिखना भी होगा सो चार से पांच क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और पांच से छह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे अगर पांच ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो पांच सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा अगर चार ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो छह सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर प्रैक्टिस हम लोग ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे फिर आता है आपका राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको चार पार्ट में डिविजन करके बताया गया है नोटिस इनविटेशन देन एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग अब आप देखिए नोटिस राइटिंग आपका फिक्स है आपको पांच नंबर का एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा दिस इज फिक्स इन्विटेशन इज ऑल्सो फिक्स एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर आपके पास ऑप्शन आएगा आपको चॉइस मिलेगी इसमें करने की सिमिलरली आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको चॉइस मिलेगी आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अब इसका भी डिविजन कर दिया गया है इन थ्री पार्ट के किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे पहला मार्क्स होगा आपका फोमैट का दूसरा मार्क्स होगा आपका कॉन्टेंट का और तीसरा मार्क्स होगा आपके एक्सप्रेशन का ग्रामेटिकल एरर्स ना हो स्पेलिंग स्पेलिंग एरर्स ना हो सिमिलरली आपकी फ्लेंसी अच्छी बनी रहे सो so, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा ना आपको जब मैं प्रैक्टिस करवा रही होंगी तो मैं आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगी कि मैं आपकी फॉर्मेट भी आपको बताऊंगी कि इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने इन्विटेशन को अपने आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग या फिर आप लेटर टू तो एडिटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब या फिर इन्विटेशन को लिखोगे फिर मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग को यहाँ पर करवाऊंगी

का लिटरेचर पार्ट व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें आपका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि आपको पहला तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके तीन जगह से आएंगे फ्लेमिंगो के चैप्टर से भी आएंगे पोम से भी आएंगे सिमिलरली एक्सट्रैक्ट आपका विस्टास से भी आएगा ठीक है इसमें मतलब हर एक क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड में एक नंबर का मिलेगा तो छह क्वेश्चंस आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर से आएंगे

फ्लेमिंगो के चैप्टर से भी आएगा पोम से भी आएगा और विस्टास से भी आएगा विस्टास से आपको तीन क्वेश्चन आएंगे दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे

टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट और ये जो छठा चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्ड हुयर है सो थर्टीन प्लस सिक्सटी अगर थर्टीन प्लस सिक्स अगर आप करेंगे तो ऑल टोटल आपके नाइनटीन लेसन आपके लिटरेचर से आ रहे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है राइट अब इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क भी प्रैक्टिस uh, करना है और साथ ही साथ में लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क भी प्रैक्टिस करना है सो so, आइए देखते हैं कि हम हमारे प्लानर्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे कि हम इन सबको पढ़ लें राइट right? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से आपकी लिटरेचर कवर करवाने वाली हूँ तो मैं ना आपको वन शॉर्ट्स करवाऊंगी हर एक चैप्टर का वन शॉट करवा दूंगी लेकिन मर्ज करवा करके कि कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर हो पाए आपका दूसरा आपका माइंड मैप के साथ में आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा ठीक है प्रीवियस ईयर पे ही लिया जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके शॉर्ट राइटिंग शॉर्ट आंसर्स राइटिंग और लॉन्ग आंसर्स राइटिंग के करवा देंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस के सो so, तीन पार्ट्स में हमने आपको इसको डिवाइड करके दे दिया वन शॉट हम लोग रिवीजन करेंगे सबका माइंड मैप प्लस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस करेंगे नाउ लुक एट दिस फर्स्ट वीक का हमारा जो स्केड्यूल रहेगा वो कैसा रहने वाला है हम एक हफ्ते में चार दिन पढ़ेंगे अगर हमें अर्जेंसी पड़ी तो हम छह दिन भी पढ़ेंगे राइट कि इलेवेंथ के पेपर खत्म हो जाएंगे तक सो मंडे वेंसडे थर्सडे और सैटरडे का स्केड्यूल हम ले रहे हैं और इस तरीके से हम मंडे को लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग माई मदर एट सिक्सटी का वन शॉट रिविजन करेंगे एक या वन एंड हाफ आवर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सेकेंड डे डीप वटर रेट ट्रैप कीपिंग क्वाइट का वन शॉट हम एंड आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे थर्ड डे यानी कि थर्स्ट डे को हम लोग इंडिगो पोयट्रेन पैन के कथिंग ऑफ ब्यूटी का वन शॉट डिविजन कंप्लीट कर लेंगे हाफ वन एंड हाफ आवर में सैटरडे को द इंटरव्यू गोइंग प्लेसेस और एंडजनी फॉर टाइगर का वन शॉट डिवीजन हम कंप्लीट कर लेंगे वन एंड हाफ आवर्स सिमिलरली आपका जब सेकंड वीक स्केड्यूल आएगा तो मंडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे का अब देखो पिछले वाले में हमने पूरी की पूरी की सिर्फ एक बची हुई है बड़ी है बड़ी तो हम इसको के चैप्टर के साथ लेकर के जा रहे हैं वन शॉट रिविजन में सो so, मंडे को हम इसका वन शॉट रिविजन कर लेंगे द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का हम शॉट रिविजन कर लेंगे अगले दिन द एनिमी और On the Face of It का हम अगले दिन रिविजन करेंगे और फिर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो ही चैप्टर हैं आपके इसका हम उसके नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को रिवीजन करेंगे तो ये आपके मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम एक घंटे लेगा 45 टू 1 आर टू कंप्लीट दस रिवीजन रोज ठीक है फिर हमारा थर्ड वीक का स्केड्यूल आता है ऑफ कोर्स हमारे लिए राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है तो मंडे को नोटिस राइटिंग और इनविटेशन राइटिंग का हम वन शॉट रिवीन करेंगे प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे वेंसडे को एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे वन शॉट रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्सडे को आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का मिक्सचर प्लस वन शॉट रिविजन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सैटरडे को अनसीन पैसेज करेंगे लिटरेरी और फैक्चुअल दोनों और इस पर भी दोनों ही क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव टाइप भी ठीक है वन शॉर्ट रिविजन प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए होंगे तो उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे तो ये थर्ड वीक का स्कड्यूल है अब फोर्थ वीक पर आते हैं फोर्थ वीक पर हमारे पास बचा हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और माइंड मैपिंग प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो हम मंडे को लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग और माई मदर एट सिक्सटी सिक्स लेंगे इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन माइंड मैपिंग और प्रीवियस ईयर करेंगे वेंसडे को डीप वॉटर रेड ट्रैप और कीप कोट चलेगा

वेंसडे को मंडे को वेंसडे को टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ थर्सडे को द दायनीम ऑन द फेस ऑफ इट और सैटरडे को मेमरीज ऑफ चाइल्ड हुड सो इसको भी हम वन एन हाफ एन एन हाफ फार्मेट कम्प्लीट करेंगे विद माइंड मैपिंग्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारा जब सिक्स वीक आएगा स्कड्यूल का ठीक है या तो सिक्स वीक को हम क्या करेंगे हमारे जो शॉर्ट आंसर्स राइटिंग और लॉन्ग आंसर्स राइटिंग्स बचे हुए हैं वो करेंगे ठीक है तो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे यहाँ पर और दैट टू प्रीवियस ईयर तो पहले मंडे को लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग और मदर एट सिक्स लेंगे ट्यूजडे को डीप वॉटर रेड ट्रैप और कीप क्वाइट लेंगे थर्सडे को इंडिगो पोर्ट एंड पैनके का थिंग ऑफ ब्यूटी ले लेंगे सैटरडे को द इंटरव्यू गोइंग प्लेस और एंड जेडीफो टाइगर ले लेंगे अगला जो दिन आएगा हमारा इसके बाद जो सेवंथ वीक आएगा उसमें भी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आर रोड साइड स्टैंड थर्ड लेवल शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स वेस्डे को द किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ दर् थर्सडे को एनिमी और ऑन फेस ऑफ इट सैटरडे को मेमोरीज ऑफ इस तरीके से तो आपका आप अच्छा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और बस आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आप पढ़ लोगे ना सो आप एटी आउट ऑफ एटी इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो अगर आपको मैक्सिम मैक्सिम स्कोर करना है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे सेशन को फॉलो ज़रूर करो क्योंकि बहुत सारी प्रेपरेशन आपकी होने वाली है सो थैंक यू एवरी वन बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल